बजट में पैसों का इंतजाम किया और फिर शुरू की प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना। आज इस परियोजना की वजह से देश की उन 99 बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है जो 30-30, 40-40 साल से अटकी पड़ी थी, फाइलें भी खो गई थी। साथियों, आप जानते हैं हम इस पर कितनी राशि खर्च कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, करीब करीब 90,000 करोड़ रुपया, यानी एक प्रकार से 1,00,000 करोड़ रुपया। ये है हमारा काम करने का तरीका। भाइयों और बहनों, अगर मुझे राजनीति करनी होती, अगर मुझे किसानों को वोट बैंक का हिस्सा ही बना के रखना होता तो मेरे लिए तो बहुत सरल था। ये 1,00,000 करोड़ रुपए की इतनी सारी योजनाओं के पीछे मेहनत करने की क्या जरूरत थी? दिन रात पूछताछ करने की क्या जरूरत थी? बाबुओं को दौड़ाने की क्या जरूरत थी? सीधा साधा 1,00,000 करोड़ रुपया किसानों को कर्ज माफी कर करके बस बांट देता। लेकिन मैंने किसानों को गुमराह करने वाला रास्ता नहीं चुना, पाप नहीं किया। कर्ज माफी तो एक पीढ़ी की हो जाती, एक साल की हो जाती, लेकिन 1,00,000 करोड़ से जो पानी आएगा वो आने वाली सदियों तक लोगों का भला करेगा, किसान की 5-5, 25-25 पीढ़ी का भला करेगा, वो कभी कर्जदार न बने, ये ताकत उसको मिलने का काम हमने किया। हमने वो वोट बैंक की राजनीति नहीं की, हमने मेरे किसान को मजबूत करने का काम किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव जीतने के खेल जो चल रहे हैं, उसी खेल का परिणाम है कि उन्होंने किसान को कर्जदार बना के रखा है, उन्होंने नौजवान को याचक बना के रखा हुआ है, उन्होंने माता बहनों को असुरक्षित बना करके रखा हुआ है, उन्होंने सारी चीजें लोक सरकार के भरोसे जिए ऐसी व्यवस्था बना करके रखी है। उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, देश सरकार से नहीं, देश देशवासियों से चलना चाहिए, देश हम लोगों से नहीं, आपके लिए होना चाहिए, आपकी ताकत के भरोसे चलना चाहिए, इस इरादे से हम काम कर रहे हैं।